Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is all about Ramoji Film City tour. So we went to Ramoji Film City. में हम लोग like Christmas पे गए थे and this is obviously very late to post but ठीक है. So this is the entrance of Ramoji Film City. So ये हैदराबाद में है और see like कितना stylish लिखा हुआ है. मैं तो first time जा रही हूँ. And it was so beautiful and clean. मतलब seriously like बहुत ही clean road था. बहुत ही अच्छा, मतलब कहीं भी like वो जो गड्ढे वड्ढे होते हैं और उस type का road कहीं भी नहीं था. बिल्कुल neat and clean road था. तो ये गेट पे ये पूछते हैं कि आपको होटल में बुकिंग है या आप जस्ट घूमने आए. तो अगर सिर्फ घूमने आए होते हैं लाइक कोई अपना टैक्सी से ऐसे आए होते हैं तो बसेस होती हैं, वो वहीं पे बस से जाते हैं पूरे दिन भर घूम के एंड देन वहीं पे गेट पे उतर जाते हैं. और अगर होटल में बुकिंग होती है तो देन दे टेल दैट आगे होटल का रूट है तो वहाँ पर जा सकते हैं एंड देन होटल की बुकिंग के हिसाब से फिर अपना बस टूर मिलता है. सो होटल के बुकिंग में ही बस टूर जो होता है वो इंक्लूडेड होता है. तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इसे और जा रहे हैं अब होटल के साइड. अभी आई थिंक हाँ, तो अभी अर्ली मॉर्निंग है. मॉर्निंग में जाने से होता है ना कि लाइक फुल डे हम लोग पूरा बस से घूम सकते हैं. तो ये है मेन एंट्रेंस जहाँ पे ये मतलब होटल के लिए एंट्रेंस है. तो अगर होटल में बुकिंग है तो ये वाले एंट्रेंस से जाना होता है. तो हम यहाँ पे दो होटल है, तारा और सितारा. सो सितारा इज़ बेस्ट वन. तारा इज़ ऑल्सो वेरी नाइस बट सितारा इज़ द बेस्ट वन एज पीपल से. और आई थिंक सितारा थोड़ा सा बड़ा भी है. सो जो सामने आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन वगैरह पूरा गार्डन ये सब हम लोग को बस से घुमाया जाएगा अभी. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चेक इन करना है होटल में. ये है सितारा होटल. तो यहाँ पे हम लोग चेक इन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बस वाला ट्रिप लेंगे. तो आपको मैं दिखाऊँगी आगे कैसे कैसे हम लोग गए और क्या क्या हुआ है. तो मैं आपको दिखाऊँगी. सो आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है होटल का. बहुत ही ज़्यादा रॉयल लग रहा था. बहुत ही ज़्यादा मतलब लग्जूरियस रॉयल और एकदम नीट एंड क्लीन. बहुत ही सुंदर था और ये क्रिसमस का डेकोरेशन भी हुआ था वहाँ पे. तो आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. जो ऊपर का पूरा जो डिज़ाइनिंग था इनका सीलिंग का वो भी बहुत ज़्यादा रॉयल था. बहुत रश था. तो जस्ट अब हम लोग चेक इन करने जा रहे हैं. हम लोग रूम में चेक इन कर लेते हैं फिर जा रही हूँ. ये देखिए रूम में. अब ये है यहाँ का रूम. सो हम लोग ने टॉप फ्लोर पे रूम लिया था तो वहाँ से ये देखिए पूरा पूल साइड एरिया जो है ना वो दिख रहा है बाहर का. बहुत ही खूबसूरत व्यू था. बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था. और ये है रूम. सो अब हम लोग निकल गए हैं बस राइड के लिए. तो होटल से ही हम लोग को बस मिल गया था. वो हम लोग को मेन जो जगह पे है जो गार्डन है वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग बाकी हर स्पॉट पे के लिए अलग अलग बस मिलती रहेगी और हम लोग ट्रैवल करेंगे. तो वहाँ पे कई डिफरेंट टाइप के पैकेजेस हैं तो जो पैकेज ले तो उतना घुमाते हैं उस टाइप से होता है. तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर काफ़ी सारे फाउंटेन्स बने हुए थे जो कि मतलब फिल्म्स में सीरियल्स में टीवी शोज़ में फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है. और सबके नाम भी बहुत सुंदर सुंदर. कोई एंजल फाउंटेन, कोई कोई फाउंटेन. और ये सारा ये जो राजस्थानी वाला पूरा लुक है ये पूरा महल टाइप बना हुआ है ये सब भी कई सारे सॉन्ग्स में और मूवीज़ में यूज़ होता है ये सारी बिल्डिंग्स भी. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा बड़े में भी बना हुआ है. मैं दोनों ही साइड आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी. बहुत तो मुश्किल है मतलब किसी एक साइड ही पूरा प्रॉपर दिखा सकते हैं. दोनों साइड तो नहीं दिखा सकते हैं. तो ये है यूरेका सर्कल जो था. मतलब यहाँ पे सारे पॉइंट्स का लाइक ये मिडिल एरिया है. यहाँ से ही सारे पॉइंट्स हैं जो जो घूमने के लिए जिसका जैसा पैकेज आया. तो हम लोग का ये वाइल्ड वेस्ट का था पहले
तो हर जगह जो शोज़ होते हैं या जो भी, यहाँ पे कुछ स्टंट शोज़ टाइप के थे, तो उसकी टाइमिंग एक्चुअली थोड़ी सी वो हो गई थी, लाइक टाइम क्लैश कर गया था, वो ऑलरेडी स्टार्टेड था तो हम लोग लेट थे. सो वी वेंट फॉर अनदर शो. सो हम लोग ने सोचा कि कोई और देख लेते हैं पहले, उसके बाद वो शाम को शाम वाला शो देख लेंगे. हाँ, यू कैन हियर ना बैकग्राउंड में कोई लाइव म्यूजिक चल रहा था, लाइव एक सिंगर सॉन्ग गा रहे थे कोई थे, बट बहुत ही ज़्यादा सूदिंग वॉइस थी. मैं ये गुरिल्ला के साथ फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी, बट इतने ज़्यादा लोग ले रहे थे कि मौका नहीं मिला. सो वी वर डिस्कसिंग लाइक कि कौन से नेक्स्ट डे, मतलब कुछ जगह पे जहाँ पे शोज़ है ना, वहाँ की टाइमिंग रहती है उतने बजे से उतने बजे तक ही शोज़ चल रहे हैं. तो हम लोग को टाइम, जो टाइम उन्होंने दिया है उस टाइम स्लॉट पे हम लोग को पहले से ही वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, क्योंकि सीट रिजर्व हो जाती है. फिर सीट नहीं मिलेगी तो भी फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा. सो इसलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो स्पिरिट ऑफ रामोजी करके एक शो है, उसके लिए जस्ट वो स्टार्ट होने वाला था और उसके लिए गैदर कर रहे थे, तो हम लोग बस वहाँ से जा रहे हैं. तो ये देखिए, ये बाहुबली का जो सिंहासन था ना वो है यहाँ मिडल में आया, तो मैं रुक गई थी वो देखने के लिए. बाद में देखती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो वहाँ पिक ज़रूर लूँगी बाहुबली के सिंहासन पर. फ़िलहाल तो चलते स्पिरिट ऑफ रामोजी देखते कि इसमें क्या है. देखिए यहाँ पर ये शो है और ये दोपहर का शो स्टार्ट हो रहा है. सो आई होप कि कुछ मज़ा आएगा, कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग वाला, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं. सो लेट्स सी कि क्या होता है. यहाँ पे गैदरिंग अच्छी खासी है, ऐसे बेंच लगाए हुए एकदम सिंपल सा, मतलब वो है सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह. The spirit of Ramoji. अभी ये फिल्म देखो ना.